तो इसीलिए क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये गांधी जी के 150वीं जयंती पे राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक एक गांव का चयन हुआ है। तो पूरे राज्य में मात्र 33 गांव जो है वो आदर्श ग्राम चयनित हुए हैं। तो अब हमारा जो भी बाद में हमारी जो समीक्षा की जाएगी, हमारा जो कंपेरिजन किया जाएगा वो बाकी जिलों के आदर्श ग्रामों से किया जाएगा, बाकी गांव से नहीं किया जाएगा। तो अब कुछ ऐसा करना है कि बाकी जिले वाले भी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि आपके पिपलांत्री है, तासोल है, उसको देखने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, बाहर फॉरन से लोग आते हैं, क्योंकि वो उन्होंने वाटर कंजर्वेशन को लेके, आपका चारागाह विकास को लेके, या फिर अपने पेड़ों की रक्षा और पानी के संग्रहण के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो उसको देखने के लिए अभी आज ही हमारे पास पता लगे 3 राज्यों के मुख्य सचिव महोदय उसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा ही अपने सीमा में भी हो। जब भी कहीं जाते हैं तो हर किसी आदमी से बात करो कि क्या समस्या है, तो सब आदमी बताते हैं कि ऐसा है, गांव में ये होना चाहिए। तो बदलाव तो सब चाहते हैं, पर दुख की बात है कि बदलना कोई नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये एक आदर्श ग्राम है, तो इसमें हमको आप लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। क्योंकि जैसे इसी साहब ने बताया कि एक उसका जो बिंदु, जो 17 सूत्रीय कार्यक्रम है, उसमें एक बिंदु ये भी है कि नशा मुक्ति, किस तरह से गांव में जो हम नशा का सेवन करते हैं उसको रोका जाए, ताकि हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो सही रास्ते पर चल सके। इसी तरह से हमको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लेके आए, बताया कि पहला सुख निरोगी का है, ताकि जरूरत ही ना पड़े, अस्पताल जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं गाँव में, कई बार पता नहीं चल पाता है, तो अगर हम थोड़े जागरूक रह के उनके प्रति, बीपी है, शुगर है, पहले से दवाई शुरू कर दें, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसी तरह से कि मंशा यह है कि किस तरह जो सरकार की योजनाएं हैं वो बिल्कुल व्यक्ति के घर घर तक, बिल्कुल जो निर्धन और गरीब लोगों के घर तक बिल्कुल पारदर्शी और सुगम तरीके से पहुंचे। तो इसके लिए जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी भी हम मौजूद हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि आगे से आपकी जो भी कोई आप प्रपोजल बनाते हैं या फिर कोई प्रपोजल भेजते हैं, तो सीमा को ध्यान में रखते हो कि एक आदर्श ग्राम है, तो इसको उसमें जरूर इंक्लूड करें। पर आपकी जितनी भी विभागीय योजनाएं हैं, चाहे वो RCDS विभाग की हो, शिक्षा विभाग की हो, सोशल जस्टिस की हो, या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग है, PHD PWD, तो यहाँ की यहाँ पे जो आवश्यकता है लोगों की, उनको प्रायोरिटी दी जाए। और मैं गांव वालों को भी आश्वासन देता हूँ कि बजट के अभाव में आपकी कोई विकास का काम होगा तो बजट के अभाव में वो रुकने नहीं दिया जाएगा, चाहे उसके लिए राज्य सरकार से स्पेशल बजट मंगाना पड़े, चाहे MLA लेट से कहीं से भी लेना पड़े सरकार से, या DMFT से लेना पड़े, पर वो बजट यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आदर्श ग्राम, तो आदर्श ग्राम तब तक नहीं बन सकता जब तक, क्योंकि मात्र ऐसा कहने से तो आदर्श ग्राम नहीं बन जाएगा। आज हम लोग बैठ गए और